नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के पेलम पेल मंत्री कोरोना वायरस के संतरी बन गए हैं, यानी इमरान सरकार के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और इस वक्त वह सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। इसके अलावा साल 2017 से 2018 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे साइद खान अब्बासी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि कोरोना ने पाक असेंबली की राह पकड़ ली है, जहां वह भी इमरान सेलेक्टेड की तरह सीट हासिल कर चुका है। मगर असली मुसीबत तो पाकिस्तान के गधों पर टूट रही है। इन गधों का केवल इतना ही कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर पूंछ हिलाई है। पंजाब प्रांत के रहीम यार खान इलाके में शनिवार को पुलिस ने एक गधे को अरेस्ट किया है। इस गधे पर जुआ खेलने का आरोप है। गधे के साथ ही 8 अन्य संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस गधे का नाम बाकायदा FIR में दर्ज है। गधा पुलिस स्टेशन के बाहर बंधा हुआ जमानती का इंतजार कर रहा है। साथ ही मानवाधिकार से जुड़े संगठनों की राह भी तक रहा है। बड़ी बात यह है कि गधे के साथ पकड़े गए जुआरियों से 1,20,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। यह पैसा इसी गधे के साथ दौड़ पर लगाया जा रहा था, यानी तैमन छाप इस गधे के साथ रेस लगाने वाले थे। यकीनन पाकिस्तान में गधों की चर्चा तो जरूर सुनी है, मगर इतने स्मार्ट गधे पहली बार सुर्खियों में आए हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में गधों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस मामले में कोई पाकिस्तान के आसपास भी नहीं है। चीन में पाकिस्तानी गधों की सबसे ज्यादा डिमांड है, जहां इनकी खाल से जिलेटिन प्राप्त करके दवाइयों का निर्माण किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इमरान खान गधों को इसी प्रकार गिरफ्तार करते रहे तो रियासत मदीना GDP पर आए संकट को कैसे दूर करेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गधों का बड़ा योगदान है, पर लगता यूं है कि गधों पर चला इमरान का चाबुक अब गधा बिरादरी को भावुक करने जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस गधे की गिरफ्तारी से जनरल कमर जावेद बाजवा काफी नाराज हैं। उन्होंने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार से इसे तुरंत रिहा करने को कहा है। वैसे गधों को गधे पर तरस आ गया, पर गधा अभी तक थाने के बाहर ही बंधा हुआ है।